तो आज बात करेंगे हमारे प्यारे दिल्ली शहर के बारे में। हाँ, आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा बार बार कि ये दिल्ली शहर का कौन सा ऐसा इलाका है जो इस तरह का गंदगी भरा दिख रहा है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये इलाका है जामा मस्जिद का इलाका। तो इंडिया का दिल कहे जाने वाला दिल्ली शहर, हाँ बिल्कुल इसी शहर में है जामा मस्जिद। जो लोग जामा मस्जिद के बारे में नहीं जानते, उन्हें मैं बता दूँ, जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत इमारत है। इसका निर्माण 1665 में हुआ था। तो तब से लेकर अभी तक ये इमारत हमारी आंखों को ठंडक देने का काम करता है। ये बहुत ही खूबसूरत इमारत है, लेकिन इसके आसपास में ये जो कचरा और ये टूट फूट, ये यहाँ के मतलब ये जो ये इमारत है अंदर से इतनी ब्यूटीफुल है कि आपका है ना मन मोह लेगी ये इमारत। लेकिन बाहर से देखने पर है ना कुछ इस तरह का आपको ये तस्वीरें मिलेगी। इस जगह के लिए अगर किसी को ब्लेम कर सकते हो ना, तो आप MCD को, दिल्ली MCD को ब्लेम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड जो लगा था ना, दिल्ली MCD का बोर्ड लगा था। आई थिंक ये जगह जो है दिल्ली MCD के अंडर में आती है। और यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे तालाब थे पहले के टाइम में, अब यहाँ पे टूट फूट के ये जो नीले टाइलें जो देख रहे थे आप, वो तालाबों की टाइलें हैं। बड़ा खूबसूरत लगता होगा पहले के टाइम में, लेकिन अब अफसोस है हमें, आज हम ये सब चीज़ें नहीं देख सकते, ना देख पाएंगे शायद कभी, क्योंकि कोई इसकी मरम्मत नहीं करता ना। पिछले 10-11 सालों से मैं देखता आ रहा हूँ यहाँ पे कोई कुछ नहीं करता, सब गवर्नमेंट आती है चली जाती है। और ये आसपास के टाइलें बिल्कुल टूटी, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना चक्राचून, वो हुआ पड़ा है यहाँ पे। अगर आप थोड़ा सा सोच के देखें, अगर ये हाल जो हमारे देश का ताजमहल है, जिसे हम मतलब जिसको एक नाम एक बार ताजमहल का नाम सुनते ही हमारा सीना ऐसे गर्व से चौड़ा हो जाता है ना, तो अगर वहाँ पे ऐसा हाल हुआ होता तो विश्व की 7 सबसे खूबसूरत जगहों में से आज उसका नाम नहीं आता। क्योंकि यहाँ पे है ना, देखने पे आपको पता चलेगा कि कितना सारा कचरा यहाँ पे भरा पड़ा है। यहाँ पे एक से एक ये थोड़ा मैं वो दिखाता हूँ, कचरा जहाँ पे पड़ा है ना, कचरा पड़ा, पुलिस वाले भी खड़े हैं, रिक्शा मतलब एक पार्किंग जैसे बना रखी है इन लोगों ने। तो तरह तरह के आपको सारे लोग मिलेंगे यहाँ पे। यहाँ पे मैं आपको जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ, दिल्ली में है ना एक से बढ़कर एक इमारतें हैं, कुतुब मीनार, सफदरजंग, लाल किला, पुराना किला, अशोक स्तंभ, लेकिन किसी जगह का भी इतना बुरा हाल नहीं हुआ पड़ा है जितना बुरा हाल इसका है। और बिल्कुल MCD को या दिल्ली गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूंगा, यहाँ पे जो यहीं से 500 मीटर की दूरी पे जो रास्ता है, तो उस रास्ते को दिल्ली गवर्नमेंट ने इतना खूबसूरत बना दिया है। जी हाँ, मैं बात उसी रास्ते की कर रहा हूँ जो लाल किला से होते हुए चांदनी चौक तक जो रास्ता जाता है, लेकिन यहाँ पे किसी की भी नज़र नहीं पड़ती है। ले और यहाँ पे मैं एक और अपील करना चाहता हूँ, अगर आप दिल्ली घूमने आते हो, दिल्ली आपको भी अच्छा लगता है, तो प्लीज़ यार इसको गंदा मत किया करो। यहाँ से इतने सारे फॉरेनर आते हैं, वो सबसे पहले मतलब उनकी नज़र है ना इन्हीं पे पड़ती है, और वो मतलब इस चीज़ को फॉरनर क्या कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मेरा ये वीडियो देखने के बाद थोड़ी सी बात प्रेस की भी कर लेना, जो अंधी हो गई आजकल, जिन्हें ये सब कुछ नहीं दिख रहा है, जो हमें मेहनत करनी पड़ रही है इतनी सारी। और थैंक यू सो मच मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए।